95 अकेडमी पुरस्कार के लिए हाल ही में द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने ये लिस्ट जारी की, जिसमें कंतारा, आरआरआर, द कश्मीर फाइल्स जैसी बॉलीवुड फिल्में शामिल है। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि ऑस्कर 2023 के लिए उनकी फिल्म को अकेडमी की पहली सूची में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये दूसरा ट्वीट करते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा कि पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और दर्शन कुमार को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अनुपम खेर और दर्शन कुमार ने भी यही दावा ट्वीट किया। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और अश्लील फिल्म कहने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उनकी आलोचनाओं का जवाब है। रिपब्लिक ने रिपोर्ट किया कि अकेडमी पुरस्कारों की पहली लिस्ट में द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऐसा ही दावा करने वालों में इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, मिरर नाउ, जी न्यूज इंग्लिश, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, टाइम्स नाउ भारत, मोजो स्टोरी और फिल्मी बीट शामिल है। तो क्या वाकई में द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? सबसे पहले तो गौर करें कि इस लिस्ट का टाइटल है रिमाइंडर लिस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एलिजिबल फॉर द 95th अकेडमी अवार्ड्स। इस 44 पेज की लिस्ट में कहीं भी शॉर्टलिस्ट का जिक्र नहीं है। इसके अलावा 21 दिसंबर 2022 को 95 ऑस्कर के लिए इन कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट की घोषणा की गई थी, जिनमें से विजुअल इफेक्ट्स, साउंड और मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की इन तीन कैटेगरी के लिए 10 एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं बाकी की इन 7 कैटेगरी के लिए 15 एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। व्यूअर्स ध्यान दें कि द कश्मीर फाइल्स को इन कैटेगरी में से किसी के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। वहीं इसमें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस जैसी कैटेगरी भी नहीं है, यानी अनुपम खेर और पल्लवी जोशी को इन कैटेगरी के अंतर्गत शॉर्टलिस्ट किए जाने का दावा भी गलत है। अब आते हैं भारत द्वारा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई फिल्मों पर। भारत ने गुजराती फिल्म छेलो शो को इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। वहीं एसएस राजामौली की बहुचर्चित फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल गाने की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। साथ ही में दो भारतीय फिल्में ऑल दैट ब्रीड्स को द डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और द एलिफेंट विस्परर को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑल्ट न्यूज ने इस पूरे मामले पर अवार्ड के मैनेजमेंट को मेल किया। इसके जवाब में सीनियर मैनेजर मेंबर रिलेशन और ग्लोबल आउटरीच माइकल बेनेडिक्ट ने बताया कि रिमाइंडर लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट अलग अलग है। रिमाइंडर लिस्ट में जनरल एंट्री के लिए योग्य ऐसी सभी फिल्में शामिल है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी में अगले राउंड में पहुंचने वाली फिल्में होती है। अकेडमी की वेबसाइट पर फिल्मों के एलिजिबल होने के लिए कुछ नियम दर्ज किए गए हैं, जिसमें ये फिल्में अमेरिका के 6 महानगरों के थिएटरों में लगनी चाहिए। वहीं ये फिल्में एक ही जगह पर कम से कम 7 दिनों का रन पूरा करे। इन शहरों में चलने वाली फीचर फिल्मों का समय 40 मिनट से अधिक होना चाहिए। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के फेस्टिवल डायरेक्टर असीम छाबड़ा ने हमें बताया कि रिमाइंडर लिस्ट शॉर्ट लिस्ट नहीं है। रिमाइंडर लिस्ट में ऐसी फिल्मों की लिस्ट होती है जो ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। 2023 के लिए ऐसी 301 फिल्में हैं और इसमें द कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी कई भारतीय फिल्में शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि हर साल दिसंबर के आखिरी दिनों में 10 कैटेगरी के लिए अकेडमी शॉर्टलिस्ट जारी करती है, लेकिन इसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होती। बेस्ट पिक्चर कैटेगरी को छोड़कर बाकी श्रेणी के लिए अकेडमी के सदस्य नॉमिनेट करते हैं। इन सभी बातों का सार ये है कि द कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी भारतीय फिल्में रिमाइंडर लिस्ट में शामिल है, लेकिन इन्हें अवार्ड मिलेगा या नहीं ये तो इस बात पर तय होगा कि अकेडमी के सदस्य किसे वोट करते हैं। और वहीं रिमाइंडर लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट अलग अलग है, यानी विवेक रंजन अग्निहोत्री समेत भारतीय मीडिया आउटलेट्स और प्रमुख व्यक्तियों का दावा सरासर गलत है।